Assalamualaikum dear subscribers, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको कोफ्तों के लिए इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। ये कीमा है, तकरीबन मैंने हाफ के जी लिया है। ये मैंने खशखाश ली है, इसको मैंने सिल पे पीस लिया है। नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, नारियल, नारियल को मैंने भिगो दिया है नरम करने के लिए, लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, 3-4 जवे लहसुन के और अदरक का थोड़ा सा पीस थोड़ा सा। इसके अलावा मैंने सफ़ेद चने लिए थे, उनको भुने हुए सफ़ेद चने, उनको पीस लिया है। और इसके अलावा ये मैंने लिया है थोड़ा सा ज़ीरा। सबसे पहले हम इन चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। लहसुन में छील लूँगी अदरक छील कर, हरी मिर्चें, और मैंने इसमें नारियल डाल दिया है। इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके फिर हम बाकी इसका काम से करते हैं। जी डियर सब्सक्राइबर्स, तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हैं मुझे कीमे को मैरिनेट किए हुए, और अब हम इसमें ये धनिया डाल देंगे और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका बाकी का काम करूँ, पहले हम आपको सालन के इंग्रेडिएंट्स लाए थे। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, अगर आपके पास बड़े साइज़ में नहीं है तो आप 2 दरमियानी प्याज ले लें। सालन की क्वांटिटी जितनी आपने रखनी है उस हिसाब से आप प्याज लेंगे। 2 अंडे मैंने बॉयल कर लिए हैं और एक तरफ मैंने आलू भी उबलने के लिए रखा है। अच्छा, इसमें लाल मिर्चें हैं, नमक, हल्दी, थोड़ा ज़ीरा और काली मिर्च, दही, ये 1 पाव है जिसमें से तकरीबन आधा पाव डलेगा, और ये आ गया अदरक लहसुन। देखिए नीचे मैंने चूल्हा जला दिया है और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। और ऑयल में हम डालेंगे प्याज। तो हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक प्याज ब्राउन होगी मैं कोफ्ते की गोल्डन को बॉल बना के रखती हूँ और फिर हम बाकी के सालन की तरफ रखते हैं। प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन कर ली है और ये कोफ्तों की भी बॉल बना ली है। अब हमने ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें रखूँगी। हल्की आंच में इसको फ्राई कर लेंगे और हम इसका प्याज को दही के साथ ग्राइंड कर लेंगे। फिर मैं दही डालूंगी अभी। अदरक लहसुन के पेस्ट में हम ये डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा। तो हल्की आंच में हम फ्राई होने देंगे जब तक। और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी जब तक। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है इसको। इसमें डालेंगे हल्दी हसबे ज़रूरत, तकरीबन ये 1/2 टीस्पून है। नमक हसबे ज़ायका, लाल मिर्च, फिर हम अदरक देखते हैं। अदरक फ्राई हो गया है। इस मसाले में आप चाहें तो एक टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी इसके साथ ग्राइंड कर लें, तो उससे भी गरम मसाला बढ़ जाता है और जायका अच्छा आता है। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी पिसा हुआ डालूंगी मैं 1 चुटकी के बराबर। तो इसमें मसाला हल्का सा गोल्डन सा हो जाएगा, तो फिर इसमें हम प्याज और दही जो ग्राइंड किया है वो डालेंगे और कोफ्ते। काफ़ी हद तक हो गया, थोड़ी सी कसर और है, तकरीबन 1 मिनट से ऊपर हो गया टाइम इसको, सॉरी 3-4 मिनट हो चुके हैं इसको मुझे फ्राई करते हुए। मसाला बनाने के लिए अगर आप टमाटर और प्याज
को दही में ग्राइंड करें और हरी मिर्ची भी ऐड कर दें तो वो भी बहुत मज़े का जायका देती है। मैं कभी टमाटर ऐड करती हूँ कभी नहीं करती, और मैंने टमाटर ऐड नहीं किए, लेकिन अब मैं जब मसाला बनाऊँगी तो हरी मिर्ची अपने साथ में ऐड कर लूँगी, लेकिन वो ग्राइंड नहीं करूँगी, साबुत उसमें डालती हूँ, मुझे वो साबुत ज़रा अच्छी लगती है, सालन में खूबसूरती आती है। कलर कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और है, जैसे अगर आप चाहें तो अदरक, जब आप अदरक लहसुन को फ्राई करते दौरान अगर आप चाहें तो इनकी जो बॉल्स हैं कोफ्ते की वो भी साथ में फ्राई कर लें, और क्या कहते हैं, अगर फ्राई नहीं पसंद आपको तो वो फिर ये अदरक लहसुन भूनने के बाद आप जो मसाला इसमें ऐड करेंगे तो उसके साथ ही आप वो बॉल्स ऐड कर लें, ताकि वो ज़्यादा फ्राई ना हो, उसके अंदर भी गर्म पक जाए। कच्चेपन की बदबू जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो फिर आप इसको रेडी समझें कि अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है प्रॉपर तरीके से, और फिर इसमें आप मसाले ऐड करें। मैं ज़्यादातर रेसिपी इस तरह की बनाती हूँ, जो नई कुक हैं उनको इजीली बनाना आ जाए, जो नया नया बनाना सीखती हैं उनके लिए फिर ये आसान हो जाता है। तकरीबन फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ये मसाला डालेंगे। मैंने नमक मिर्च हल्दी इसी में ऐड कर लिया था, और इसमें हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद मैं कोफ्ते डाल दूँगी। मैं इसमें साथ ही कोफ्ते डाल दूँगी ताकि वो भी ज़रा फ्राई हो जाए। मैं थोड़ा सा हल्की आँच फ्राई होने दें, और इसके बाद फिर हम इसको इसकी साथ साथ बुनाई भी इसमें हो जाएगी फ्राई होने के बाद। इसको ऐसे हल्की आँच मैंने भुनने रखते हुए रख दिया हुआ है, इसी के अंदर कोफ्ते भी गल जाएंगे और ये मसाला भुन जाएगा। मैं इसको थोड़ी देर ढक के ऐसी पकने दूँगी, और मसाला भुनने के बाद फिर हम इसको इसका सालन रेडी हो जाएगा। मैंने दो अंडे भी बॉयल कर लिए हैं, 3 आलू बॉयल किए हैं, आप इसकी भी एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, आप 3 अंडे और ये भी डाल देंगे तो सालन में मज़ीद बरकत भी होती है, अगर मेहमानों में सालन में सर्व करना तो अंडे ज़्यादा डाल दें, और वैसे भी इसका भी जायका इसमें अच्छा लगता है। इसको मैंने थोड़ी देर पकने दिया है, बुनाई हल्की सी इसकी होती रही है। मैं चम्मच चला के इसको देखूँ, थोड़ा सा हम इसमें पानी और मज़ीद ऐड कर देंगे इसको शोरबा बढ़ाने के लिए, और थोड़ी सी मैंने 2 हरी मिर्चें बस ली हैं जो इसकी खुशबू चेंज करेंगे, इसकी खुशबू में मज़ीद अच्छा जायका आएगा इसका, और इस खुशबू भी इसकी बहुत मज़ीद अच्छी हो जाएगी। मैं पानी ऐड करूँ थोड़ा सा, और अब मैं इसको तकरीबन थकी देकर पानी को, ताकि ये पानी का इसका जायका प्रॉपर इसमें मिक्स हो जाए और पानी पक जाए इसका, तो उसको मैं थोड़ी देर और रखूँगी, और फिर ये समझ लें हमारा खाना रेडी है। पाँच मिनट बस मैं इसको और पकने दूँगी हल्की आंच पे, और फिर इसमें डालेंगे अंडे और आलू डाल दूँगी मैं इसमें। बस हमारा सालन तकरीबन रेडी है, बस अब मैं इसमें अंडे और आलू ऐड कर रही हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको पसंद है अंडे आलू डालना इसमें तो आप डाल दीजिए, वरना नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। मेन असल में ये इसमें कोफ्ते होते हैं जिसका एक्चुअली टेस्ट होता है, लेकिन ये कि अंडे आलू भी अगर आपको साथ में कॉम्बिनेशन पसंद है तो आप इसको ऐड कर लीजिए। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगी, और जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए मुझे, और जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।